पूर्ववर्ती सरकारों से उपेक्षित रहने वाली अयोध्या आज विकास की नई गाथा लिख रही है। एक तरफ भव्य मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ तीव्र गति के साथ अयोध्या में विकास की योजनाएं भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से अयोध्या उनकी प्राथमिकताओं में है। शायद यही वजह है कि अयोध्या के विकास संबंधित योजनाओं की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। आने वाले दिनों में अयोध्या धार्मिक और पर्यटन के साथ साथ सोलर सिटी के रूप में भी जानी जाएगी। पिछले दिनों अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित होगी। शायद यही वजह है कि अब अयोध्या में यूपी नेडा विभाग ने पिछले दिनों एक ड्रोन सर्वे कराया और उस सर्वे से यह पता चला कि अयोध्या में 12,000 घरों में सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। हालांकि अयोध्या के सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर प्लांट को स्थापित कर दिया गया है, तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिर में भी अब सोलर प्लांट लगाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या सोलर सिटी के रूप में जानी और पहचानी जाए। शायद इसी मंशा के अनुरूप अब धरातल पर भी यह योजना मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार की माने तो सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा। इसके लिए दो चरण में कार्य होंगे जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी भी इस योजना में सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया था अभी 2 महीने पहले, उससे ये वो अयोध्या जनपद का जो परिसीमन हुआ है उसमें ड्रोन सर्वे से 12,000 घर ऐसे आए थे जिनकी छतों पर सोलर पावर प्लांट लग सकता है जो आवासीय होंगे। लेकिन अभी जो यहाँ चौड़ीकरण का काम हो रहा है और दूसरी चीज़ें हो रही हैं तो उससे 10,000 घर अभी भी ऐसे हैं जिन पे हम लोग सोलर का पावर प्लांट लगाएंगे। और पहले चरण में जो शहादतगंज से भगवान श्री राम जी का मंदिर है जिसको रामपथ बोला जा रहा है, इसके दोनों तरफ जो घर बने हुए हैं उनका सर्वे का कार्य अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। उन लोगों को हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये स्कीम सभी निवासियों के लिए है, बाकी पूरे प्रदेश के लिए भी है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है जिसमें 1 किलोवाट पर 15,000 रुपये राज्य सरकार अनुदान देता है और 14,588 रुपये भारत सरकार देता है। इस तरह से अगर हम सिस्टम की कॉस्ट माने तो 1 किलोवाट की 60,000 से 65,000 रुपये आती है, उसमें से 30% जो धनराशि जो है हम लोग इससे मीट आउट कर लेते हैं। देखिए पहले तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और यूपी नेडा को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी ज़रूरत का लगभग 25% ऊर्जा का स्रोत इन्होंने यहां पर स्थापित कर दिया है। और यह ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारी हमारे पर्यावरण की हर तरह से संरक्षा सुरक्षा करती है। हम लोग कार्बन क्रेडिट भी करने की स्थिति में आ गए हैं। अब हम कार्बन क्रेडिट करेंगे निश्चित रूप से, अभी जो हमारी बात हुई है और आगे भी हम लोगों की इच्छा है कि और भी हम संयंत्र लगाएं अपनी कैपेसिटी। अभी वर्तमान में लगभग 1200 किलोवाट का हमारे विश्वविद्यालय में लोड है और लगभग 400 किलोवाट का हम लोग सोलर ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं। आगे ऐसी स्थितियां रहेंगी तो हम लोग 50% से ज़्यादा ऊर्जा जो है वो सोलर एनर्जी के रूप में प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम विश्वविद्यालय का रेवेन्यू, विश्वविद्यालय का धन तो बचाएंगे, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।